व्हाट आई ईट इन अ डे टू लूज वेट, जब नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने का मन होता है, या फिर आप कैसे वेट कम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 5-7 भिगे हुए बादाम खा लें, 5-7 भिगे हुए मुनक्का खा लें। PCOD हार्मोनल इम्बैलेंसेज होंगे तो वो ठीक होने में आपको हेल्प मिलेगा। अब ये संडे सैटरडे की वीकेंड वाली डाइट है तो चाय या कॉफ़ी थोड़ी बहुत चलेगी, बट आधा कप ही लें, गाय के दूध में बनाएं और चीनी कम से कम लें, और खाली पेट कॉफ़ी या फिर चाय ना पिए। और फिर क्योंकि सैटरडे संडे को थोड़ा लेट उठने का मन होता है तो सिंपल पहले तो ना रोटी सब्ज़ी खा लो, सिंपल सी, ठीक है। मैंने यहाँ पर रोटी और टिंडे की सब्ज़ी खा ली और जो साथ में रायता उसको मैंने बाद के लिए सेव कर लिया कि 2 घंटे बाद खा लूँगी। और फिर जब आपका लेट लंच हो जाएगा ना एक तरीके से काइंड ऑफ, तो आज के दिन चिकन बिरयानी खा सकते हैं क्योंकि वीकेंड है। और कोशिश कीजिए अगर घर पर बना सकते हैं कम ऑयल में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो आपकी हेल्थ को बहुत फ़ायदा देगा। या फिर चिकन और रोटी आप खा सकते हैं। और फिर जब इवनिंग में भूख लगे तो अच्छे से फ्रूट्स खा लें ताकि आपको अच्छे से फ्रूट्स का न्यूट्रिशन भी मिल जाए। और क्योंकि चिकन में कैलोरीज थोड़ी हाई होती है तो यहाँ पर थोड़ा हमें बैलेंस भी करना है, अब ज़्यादा हैवी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। शाम को लेट इवनिंग टाइम पे वर्कआउट वगैरह जब भी आप कर लें उसके बाद में घर का बना हुआ होममेड प्रोटीन पाउडर आप खा सकते हैं 1/2 चम्मच। इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और फिर डिनर कर लें, डिनर में आप अब सूप पी सकते हैं। तो मैंने घर पर फ्रेश लेमन कोरिएंडर सूप बनाया जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करे हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा, टेस्टी, हेल्दी और एकदम ही लो कैलोरी सूप है। और पूरे दिन में क्योंकि अच्छे से खा रखा है ना और लेट खाया हुआ है तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, आराम से इससे पेट इस टाइम पर भर भी जाएगा क्योंकि पहले हमने फ्रूट्स भी खाए हुए हैं, प्रोटीन पाउडर भी पिया हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो सही रहता है। लेकिन हाँ, फिर भी हो सकता है आपको भूख लगे और आपका कुछ खाने का मन करे, तो ऐसे में 2 उबले हुए अंडे आप खा लें, या फिर आप उनका हाफ फ्राई बना के भी खा सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर ऑयल में, या फिर ऑमलेट भी बना करके खा सकते हैं, वो जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो एंड डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट, अपने भूख के हिसाब से खाएं। अब यहाँ पर भूख नहीं लगी है तो मत खाएं, लगी है तो 2 उबले अंडे खा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।